ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ, ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. हाय फ्रेंड्स, हम आए डी मार्ट शॉपिंग के लिए. देख खुला तो है पर कितना भीड़ है मालूम नहीं, अंदर जाकर ही मालूम पड़ेगा. तो यहाँ पार्किंग के लिए प्रॉब्लम है. यहाँ पे अब निकल के हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है डी मार्ट का. ले जाओ. हाँ ठीक, तुम ये बंद कर. बहुत दिन के बाद, बहुत 4 मंथ के बाद आ रहे डी मार्ट. यहाँ पे ना पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आने का मन नहीं हो रहा है. अब मॉल तो मॉल में जाने का डर लग रहा है. निकलू ठीक है. मैं मॉल डी मार्ट के अंदर जाकर बात करती हूँ आपके साथ. फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग. और आज है ट्यूसडे. आज है ट्यूसडे क्योंकि कल हबी का छुट्टी था ना, तो मैं सोचा आज कल संडे था, आज मंडे नहीं, आज ट्यूसडे है. ट्यूसडे 17 तारीख 17 और डेट है 17. मैं भूल जाती हूँ डेली, वही बोलती हूँ मैं हमेशा डेट और डे भूल जाती हूँ. तो आज है ट्यूसडे 17 तारीख. तो कल मैं रात को जो कल इवनिंग को जो ब्लॉग बनाई थी डीमर का, उसको तो अंदर जाकर ही खत्म हो गया था, क्योंकि अंदर हम लोग कुछ थोड़ा बहुत कुछ उठ गए थे. फिर इतना रूल अभी हो गया ना कि जल्दी जल्दी आप एक लाइन से दूसरा, मतलब एक जगह पे आप 2-3 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते हो. बस जो सामान चाहिए आपको उठाओ और आगे बढ़ते रहो. तो हम लोग हंस हंस के बस सामान जल्दी जल्दी पिक करके हम आगे बढ़ रहे थे, और बस जो जो लेना था लेकर आ गए थे. उतना मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं 3-3.5 महीने के बाद डीमार्ट गई थी. और मेरा मंथली जो सामान आता है, राशन का हो या जो भी सामान हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जो भी सामान, तो मैं डीमार्ट से लेकर आती हूँ, नहीं तो स्पार से लेकर आती हूँ. तो स्पार से अभी नहीं गए क्योंकि बच्चे थे घर पे, तो डीमार्ट थोड़ा पास है तो जाकर आ सकते, फटाफट कुछ इमरजेंसी पड़ा था. और स्पार जाते तो फैमिली के साथ ही जाते हैं, क्योंकि उधर मॉल में भी घूमना फिरना हो जाता है, और बच्चों के छोड़कर मॉल जाने में
मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनको साथ मुझे वो इतना मिस करेंगे ना, तो अकेले अकेले मुझे मैं नहीं गई, तो यही डी मार्ट से सारा मैं सब जो जो चाहिए मुझे वो लेकर आ गई। उसका तो बाद में दिखाऊंगी क्योंकि वो कल से तो यही पड़े हैं, वो तो रहेंगे और एक बच्चे का टिफिन पिफिन बना के फिर इसको क्लीन करके मैं दिखाऊंगी क्या क्या मैंने शॉपिंग की हूँ। यहाँ पे अंदर ग्रोसरी है और वहाँ पे जो डेली यूज होता है थोड़ा बहुत थोड़ा बेडशीट ये सब लेकर आई हूँ मैं, तो है वो तो मैं दिखाऊंगी बाद में। अभी क्लास का टाइम हो जाएगा बच्चों का, इसलिए पहले मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। टाइमिंग कितना हुआ है अभी? टाइम अभी ये हो रहा है 8:45, तो पहले मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए, उसके बाद डीमार्ट से जो जो मैं लेकर आई हूँ वो दिखाऊंगी मैं। और आज ब्रेकफास्ट भी बहुत सिंपल सा है पर बच्चों को बहुत पसंद है। आज मैं बनाऊंगी चीज सैंडविच, तो ये तो बहुत ईजी है, तो फिर चलिए बनाते हैं चीज सैंडविच। और यहाँ पे थोड़ा पनीर है, ये पनीर में भी मैं मेयोनेज को मिला दूंगी और इसका भी दो सैंडविच बना लूंगी, एक मैं खाऊंगी और बेटी को पसंद है तो वो खाएगी, पर बेटा नहीं खाएगा, उसको चीज सैंडविच बहुत पसंद है। और अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, बच्चे भी खा रहे हैं, बेटी तो उसकी रूम में है, उसका क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा अभी शायद, तो क्यों हो गया होगा शायद उसका क्लास, तो उसको तो दे दिया था मैं ब्रेकफास्ट, बट अभी इधर बैठकर टीवी देख के खा रहा है। अब मैं दिखाऊंगी सारे डीमार्ट का चीज जो कल मैं शॉपिंग करके लेकर आई थी, और वो नीचे मैं सारे चीज को अच्छे से वॉश करके रख दी हूँ, बस अभी एक एक नीचे से ऊपर मेरी बाबू मुझे देगा, हेल्प करेगा मुझे दिखाने के लिए, और मैं दिखाऊंगी सबका प्राइस क्या है। और डीमार्ट में तो बहुत अच्छा प्राइस में मिलता है हम लोगों को, कंसेशन थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है उधर, तो मैं ज्यादातर तो डीमार्ट या फिर स्पार से शॉपिंग करती हूँ। मेरा मंथली जो सामान होता है बेडशीट ये सब सारे चीज। हाँ पहले उसका सामान दिखाने के लिए बोल रहा है, ये एक बॉक्स, कार बॉक्स, पेंसिल ये सब रखने के लिए कंपास ये है, अच्छा है और प्राइस भी बहुत अच्छा है, सस्ता है। कितना लिया ये? 119।
ये दिखाती हूँ अंदर कैसा है। वो खुद दिखाएगा। ठीक अच्छा बैठो बैठो। इसमें लॉक है। हाँ दिखाओ दिखाओ, तुम बोलो हाँ कैसे बोलना है। अच्छा लगा इसको तो। कार का जो भी सामान दे दो, कार इरेजर, कार कंपास, जो भी दे दो उसको, बहुत अच्छा है। ठीक है हैप्पी। ठीक है ले जाओ, तुम्हारा सामान भी ले जाओगे। और पहले मुझे ये वाला, ये बहुत पसंद आया, ये मिनी चप्पल एंड ब्लेंडर, ये बहुत ही कम प्राइस में मिला मुझे। पर सेम टू सेम मैं ऑनलाइन में देख रही थी, 500 ना 600 ऐसा कुछ प्राइस था इसका। सेम सेम कलर भी सेम, पूरा सेम, कुछ भी अलग नहीं। पर देखते हैं यूज करने के बाद मालूम पड़ेगा। और ये मुझे चाहिए था, मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी, मुझे ये चाहिए था। हाँ बाबू हाँ दिखा थी, खुल रही। सेम तो लग रहा है मुझे, कल भी मैं देखा था, अच्छा तो लग रहा है। यूज करने के बाद उसका मैं रिव्यू दूंगी आपको कैसा है ये। अंदर देखो। ये हाँ, इसके अंदर ऐसा एक ब्लेड है, इसको यहाँ पे इसे लगाना, फिक्स करना है बस। फिर इसके अंदर अगर टमाटो ऑनियन इसे छोटा छोटा करके दो दो पीस करके रख कर। मामा इधर भी लगा सकते हैं। फिर इसको बंद कर देना, अच्छे से बंद करना है। रुको बाबा रुको, फिर अब टाइम लॉक हो गया। अब इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाना है, तो ये ब्लेड भी घूमेगा और वेजिटेबल सब चॉप हो जाएगा। अच्छा सा देख, अच्छा तो लग रहा है, क्वालिटी भी अच्छा है, मोटा है, अच्छा भी लग रहा है। सेम तो मुझे तो सेम ही लग रहा है, पता नहीं उसमें उतना रेट क्यों और इधर इतना कम क्यों मुझे मालूम नहीं। पर डीमार्ट में कम रहता है, सारे चीज कम रहता है, ये सब सामान ना बहुत अच्छा रहता है। तो मैं इसे उसका यूज करने के बाद बोलूंगी कि कैसा है इसका रिव्यू। ये जल्दी जल्दी नहीं होगा। नहीं होगा, मुझे वो ग्राइंडर पसंद। वो ग्राइंडर, ये तो ग्राइंडर है बाबू, हैंड चॉपर है। हाँ जैसे मम्मी नाइफ पे कट करती है ना, नाइफ में कट करने की जरूरत नहीं, इसके अंदर डाल दो ऐसे। ये ना सब सलाद रायता ये सब के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे मैं ग्रेट करती हूँ उसमें, और देखिए उस दिन कोकोनट करके ना, कोकोनट का जो ऐसे कर रही थी वो ग्रेटर से, वो इतना अंदर चला गया है और इतना पेन हो रहा है, दो दिन हो गया और ये बहुत जोर से पेन हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं है, और मैं ऊपर से नेल पॉलिश लगा दिया ना थोड़ा सा ऐसे ब्लैक, और ये बहुत पेन हो रहा है, इसलिए हबी ने फिर आकर वो बनाया उस दिन ये वाला। और हाँ ये वाला। और फिर ये सब लाइक छोटा छोटा चार ग्लास का है, ये चार ग्लास ऐसे ही कुछ ड्राई फ्रूट्स में लगती हूँ, स्पाइसेस भी रखती हूँ, अभी ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं, कुछ भी मसाला, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसा वाला चार लेकर आई, ये तो 99 रुपीस बीबी में लेकर आई थी, 99 रुपीस ही थी वो लेकर आई थी। कितना डेढ़ साल दो साल शायद हो गया होगा, अभी भी 99 है इसका सेम ही प्राइस। और बेडशीट लेकर आई काफी सारा, क्योंकि बेडशीट ना जितना भी बेडशीट हो मुझे लग रहा है कि कम है मेरे पास, क्योंकि बेडशीट बहुत यूज होता है सबके घर में, तो यूज होगा बेडशीट। और मेरे घर पे तीन बेड है, बेटी के रूम में एक है, और मैं हमारा बेडरूम में एक है, मास्टर बेडरूम में, और यहाँ ड्राइंग रूम में एक बॉन्क बेड है। ये जैसे हमारा बच्चे कोई बाहर कोई गेस्ट आते हैं, बच्चे लोग सब आते हैं, तो ये बेड में एंजॉय करते सोते हैं। थाना एक छोटा सा बेड और एक थाना, हाँ, किसी का दे दिया। हाँ वो एक हमारा था, मेरे एक दीवान था वो दीवान, और एक डबल बेड भी था। ये बॉन्क बेड जब लाए बच्चे ने, फोर बेड था, अब तीन है, तब वो मेरी हाउस हेल्पर को वो दे दी मैं। तो वो बोल रहे ना, और था कहते मैं अभी दो साल पहले ही दी उसको, क्योंकि क्या करूंगी इतना मुझे घर में जगह नहीं रखने के लिए। तो वही बोल रहे, एक छोटा सा दीवान भी था, बहुत अच्छा लगता था वो दीवान। एक डबल बेड का था, पुराना वाला डबल बेड भी था, वो सब नया लेकर आए तो पुराना क्या करेंगे रखकर, उसको दे दिया इसलिए। और ये वाला बंक बेड के लिए दो सिंगल वाला बेडशीट, ये तो दो मैचिंग ही आता है, जब भी आता है दोनों का सेट आता है। कॉटन का ही तो बेडशीट में डालती हूँ, और मेरा घर में तो सारे चीज कॉटन का ही ज्यादातर मिले,
ये बेटा के लिए क्या ऊपर के लिए है ये ब्लू कलर, और बेटी का तो हमेशा पिंक ही पसंद है तो इसको पिंक और व्हाइट में ये दो बेडशीट लेकर आई हूँ। ये सिंगल का है पर सिंगल में क्वीन साइज को हो जाएगा क्योंकि मेरा बॉन्क बेड है जो नीचे क्वीन साइज है और ऊपर तिवन सिंगल एक लोग है। ऊपर तो बेटे सोता है और नीचे बेटी सोती है, और सोते क्या वो सिर्फ इधर खेलते खेलते रहते हैं बस, ये ना उनको पसंद आ गया करके लेकर आ गए, नहीं तो उसमें कभी कभी सोते हैं, कभी कभी दोपहर को पर यहाँ पे सोते, ज्यादातर दोपहर को ही ये बच्चे यहाँ पे सोते हैं, नहीं तो सैटरडे संडे मूवी देखते देखते सो जाते हैं। तो उनके लिए दोनों के लिए दो बेडशीट, ये ब्लू वाला बाबू के लिए और ये बेटी के लिए, ब्लू वाला ऊपर और पिंक वाला नीचे। यस ब्लू वाला नीचे वाला, देखिए कैसा लग रहा है बोलिए। मुझे तो ये अच्छा लगा, मुझे पिंक बहुत पसंद है, मुझे ये अच्छा लग रहा है ये वाला। हाँ, और हमारा बेडरूम के लिए मास्टर बेडरूम के लिए भी लेकर आई हूँ ये वाला, ये वाला बेडशीट, दो बेडरूम दो बेडशीट लेकर आई हूँ। और डीमार्ट में बेडशीट भी बहुत अच्छा है, इस बार बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन आया है और प्राइस भी बहुत अच्छा है, प्राइस भी मुझे काफी अच्छा लगा। और वो हाँ वो सिंगल बेडशीट का प्राइस है बहुत कम है, और कॉटन में इतना अच्छा मिला इतना कम प्राइस में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सिंगल वाला का प्राइस है 299 और ये डबल बेडशीट का, ये तो किंग साइज बेड के लिए है मेरे मास्टर बेडरूम के लिए, इसका प्राइस है 450 में भी तो ये इतना अच्छा है, 450 के ऊपर भी और डिस्काउंट मिला हमें, 450 है पर डिस्काउंट जाकर ये हुआ है 399। किंग साइज का बेडशीट 400 में मिलना बहुत ही मुश्किल है, और ये बेडशीट भी सेम 400 399 में ही मुझे मिला। और मेरे लिए एक मैं स्टॉल लेकर आई हूँ, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा ये कलर मुझे, क्योंकि कोई भी ड्रेस में ना ये कलर जा सकता है, और जीन्स के साथ भी आप ले सकते हो, ये ना दोनों तरफ से आप पहन सकते हो, ले सकते हो ये तरफ से और ये तरफ से भी शाइनिंग आता है। और ये एक पेयर सॉक्स लेकर आई हूँ क्योंकि ठंडी तो पड़ गया, सॉक्स तो जितना भी लाओ कहाँ कहाँ गुम हो जाता है मेरा, इसे वाला सॉक्स मिनिमम 4-5 सेट है मेरे पास, पर कहाँ कहाँ गुम हो जाता है, पर ये दो महीने के बाद ये भी नहीं मिलेगा किधर गुम हो जाएगा। और एक रनर पीस है ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इतना बड़ा है, वैसे बेड में आप डाल सकते हो साइड में या फिर सोफा के साइड में भी डाल सकते हो, देखती हूँ कहाँ पे डालूंगी ये वाला, पर इससे भी मैं बड़ा ढूंढ रही थी, इससे भी बड़ा साइज है कि स्क्वायर साइज में मेरी ये हॉल के लिए, वो इतना बड़ा नहीं था, इससे थोड़ा बड़ा था पर वो कलर मुझे पसंद नहीं था, मुझे यही कलर पे चाहिए, ये कलर पे मेरे सोफे के साथ भी मैच होगा, तो वो भी फिर कभी मिलेगा तो मैं लेकर आऊंगी। और ये भी काफी अच्छा है और काफी प्राइस भी इसका बहुत अच्छा है, देखिए इतना बड़ा रनर है और इसका प्राइस है 499। यार ये टेबल का सेट है, ये डाइनिंग के लिए लेकर आई हूँ, मेरा वो पुराना हो गया है, इसका एक का प्राइस है ओनली 69 रुपीज। कुशन कवर ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला दोनों, और ये दोनों का प्राइस आप विश्वास नहीं करोगे, ये दोनों का प्राइस एक एक का प्राइस है 49 रुपीज, 50 रुपीज एक एक, 50 भी नहीं 49, इतना अच्छा लग रहा है। और क्वालिटी भी इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और एक ये हेयर ब्रश है, ये भी मेरा खराब हो गया था, एक रेड कलर का था वो खराब हो गया था, और ये एक थोड़ा मैं और ये एक लेकर आई हूँ। और हम लेडीज को तो लेडीज हो या गर्ल्स हो जिसको भी एक ये वाला कॉम ब्रश और मिरर एक लिपस्टिक मिल जाए तो हमारा दिन भर गुजारा उसमें ही हो जाएगा। अच्छा लगा, ये तो मैं यूज करती हूँ बहुत दिन से, बहुत साल से ये वाला प्रोडक्ट, ये अच्छा है बहुत अच्छा है, आप ले लो एक बार। ये कितना प्राइस पर है 99, हाँ ये तो 99-100 का ही पड़ता है। और ये वाला कॉम्पटेट ये भी कितना भी आप लेकर आओ किधर गुम हो जाता है, मेरे शायद में 2-3 महीने में एक बार ही आता है हमारे घर पे, फिर किधर गुम हो जाता है। ये और सॉक्स और सेफ्टी पिन, ये तीन चीज और रबर बैंड, ये कितना भी आप लेकर आओ गुम होता ही रहता है हमारे घर में, नहीं सारे घर में शायद ये होता होगा, ये भी गुम हो जाता है। और किस किस के घर में वो ज्यादा हर महीना आता है मुझे कमेंट करके बोलिए। सेफ्टी पिन, क्लिप्स और ये कॉम, ये वाला जो छोटा मोटा सामान,
ये आप कितने भी ला कर रखो, मैं जब लेकर आती हूँ मैं सोच रहा अभी इसको अच्छे से रखूंगी, गुम नहीं करूंगी, पर नहीं होता है। अच्छे एक बार ये खुल गया ना, एक भी नहीं मिलेगा, अगले महीने फिर लेकर आऊंगी मैं ये वाला क्लिप्स और रबर बैंड और सेफ्टी पिन, ये तीन चीज कभी भी मेरे से संभालना, मैं कभी भी अच्छे से उसको संभाल के नहीं रख पाती हूँ, और बच्चों के घर में तो नहीं, और ऊपर से अगर आपकी लड़की हो तो वो भी नहीं होता। और ये बेटी के लिए, ये ब्लैक वाला दोनों माँ बेटी यूज करेंगे क्योंकि दोनों का तो लॉन्ग लॉन्ग हेयर है, उसका भी पसंद है लॉन्ग हेयर और मुझे तो बहुत पसंद है लॉन्ग हेयर। और ये हबी के लिए हैंडकरचीफ, ऑफिस जाने के लिए, ये मेरा कुछ काम का नहीं है। फिर आता है शैम्पू, मैं तो हमेशा नाइल शैम्पू पता नहीं मैं कब से यूज कर रही हूँ, आपको शायद बोलूंगी तो आप सच में सच मानेंगे ये नहीं मुझे मालूम नहीं, पर मैं शायद मुझे तब मैं सब स्टैंडर्ड 3 या 4 पढ़ रही थी, 4 या 5 पढ़ रही थी मैं, हाँ 4 या 5 स्टैंडर्ड में थी मैं तब से, तब हम लोग क्वार्टर में रहते थे, मेरे पापा का भाई गवर्नमेंट जॉब तो वो तब रहते थे हम लोग क्वार्टर्स में, तब से हम ये शैम्पू यूज करते, मैं खास करके मैं यही नाइल शैम्पू एक ही शैम्पू यूज करती हूँ, ऐसे बीच में कभी हम नहीं मिला या कुछ ऐसे इमरजेंसी में कुछ लेकर आ जाती हूँ तो वो है हिमालय। हिमालय तो मैं अभी 7-8 साल से हिमालय का प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, पर ये नाइल शैम्पू मैं बचपन से, मेरी बेटे की उम्र का थी मैं शायद की उससे थोड़ा 1-2 साल बड़ी बड़ी होगी, तब से अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि हमारा घर में यही आएगा नहीं तो हिमालय आएगा बस। और बेटी को थोड़ा कभी कभी उसको पसंद है तो कभी कभी वो पेंटिन, इसको थोड़ा शौक है, छोटे बच्चे है ना उनका थोड़ा शौक है तो वो कभी कभी उसका पसंद का लेकर आता है, पर मेरे बाथरूम में ये वाला नहीं तो हिमालय, ये दो ही मिलेगा आपको, फेस वॉश भी सेम हिमालय का ही है। और ये बच्चों का स्प्रेड है, ये फन फूड का चॉकलेट स्प्रेड है, और ये दोनों बच्चों के लिए डार्क फैंटेसी चोको फिल्स और ये लोटस चोको पाई, और एक पैकेट है वो 2 बार 2 खा चुके हैं उसमें से, वो भी लेकर रख दे एक साइड में तो रखने के लिए जो होगा वो भी लेकर आ जाए, फिर वो अंदर सुबह के अंदर चला जाएगा। और ये 3 पैकेट लेकर आई तो बच्चों ने सुबह खाए 2-3। और ये अभी जो फास्ट नेसेसरी है वो हैंड सैनिटाइजर, ये तो महीने में 2-3 खत्म होता है, क्योंकि अभी ऑफिस जाते तो एक उनका बैग में ऑलरेडी मैं दे दी हूँ, उनका बैग में एक हमेशा रहता है, उनका ऑफिस में भी देते पर घर में भी एक रखते। और एक ये तो मैं सुबह यूज की थी, ये मायोनीस मिंट फ्लेवर का, और ये है हैंड वॉश एक ड्राइंग रूम के लिए, और चिली सॉस, ये चिली सॉस है पेरी पेरी का, पेरी पेरी का ये सॉस मुझे बहुत पसंद है, या फिर इंस्टेंट कबाब के साथ या फिर सैंडविच में भी डालोगे तो बहुत अच्छा लगता है ये पेरी पेरी सॉस। ये दोनों प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है, ये मिंट का मायोनीस और ये पेरी पेरी सॉस, और ये कोकोनट ऑयल, और ये मैगी, ऑलरेडी मैगी काले पकड़ खा लिए बच्चों ने, ये खाया था ना कल, ये एक मेरे कढ़ाई के लिए, नॉनस्टिक कढ़ाई के लिए, और ये बस पूरी पूरी ये कुछ तलने के लिए, और ये चाय छन्नी का, ये मुझे चाहिए था, ये मेरा जो स्टील का था वो खराब हो चुका था इसलिए मैं प्लास्टिक यूज करती हूँ, तो मैं प्लास्टिक के, वो हस्बैंड गुस्सा करते हैं क्योंकि गरम चीज गरम चाय मैं उसके ऊपर डालती हूँ ना, तो नहीं था मार्केट खोल नहीं रहा था क्या करूंगी, इसलिए ये मुझे मस्त चाहिए था जरूर, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट था ये लाना। और ये 2 पैकेट पापड़, और ये हबी तो जाते है हमेशा क्या करते है घर में इतना सारा स्विच बोर्ड, आप जहां भी देखोगे ना घर में मेरा स्विच बोर्ड है, फिर भी उनको इतना स्विच बोर्ड का क्या जरूरत है, फिर और लेकर आगे एक्सटेंशन पावर स्ट्रिप। तो ये है सरसों का तेल, जो मैं खाना बनाती हूँ इसमें ही खाना बनता है, और मेरे किचन का शुरुआत ये सरसों तेल से होता है। और ये रहा एक ट्रिमर, ये बेटे के लिए लेकर आए, पहले उनके पास है हबी के लिए, पर बोले अभी तो बेटा का भी घर पे ही हेयर कट हो रहा है तो बोले बेटे के लिए अलग से एक रख देंगे। और ये है हल्दी पाउडर, और ये तूर का दाल, और एक पैकेट जीरा चिकन मसाला, इसको तो तंदूरी मसाला बनाऊंगी मैं चिकन तंदूरी, तो इसलिए तंदूरी मसाला मेरा खत्म हो गया था बस। और एक पेस्ट डबल लाल का, बस इतना ही। हाँ, और एक हाँ ओके, तो मेरी बेटा ने अभी मुझे मेरे कान में जो बोला है
वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो सब आपके साथ इंडिया से, और वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत सीक्रेट का बात है ना बाबू, सीक्रेट का बात है ना, बोल देंगे हा? थोड़ा बोल दूंगी आपसे, पर आप किसी को भी नहीं बताना, प्लीज नहीं बताना। मेरी बेटे ने अभी बोला मुझे मेरी कान पे कि मम्मा आज का वीडियो बहुत ही लॉन्ग बन जाएगा, तो वो क्या, तो वही बोल रहा है कि मम्मा आज का वीडियो बहुत ही लॉन्ग बन जाएगा, है ना, लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, तो अभी रख दो, ज्यादा मत बोलो। वही बोल रहा था मेरे कान में, आप किसी को मत बोलिए, हाँ किसी को नहीं बोलूंगी, प्लीज आप देख लेना, बज रहा देना, किसी को मत बोलना, तो वो बहुत लॉन्ग वीडियो बन रहा है, तो क्या बोल रहे हो बाबा, मैं अभी बाय बाय कर दूं बोल रहे हो? तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ही रखती हूँ, फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय। मुझे अभी बहुत सारा काम भी है, वो जो सारा पीछे का किचन का सामान, सोफे के ऊपर सामान सब पड़ा है, सबको क्लीन करूंगी, मुझे और एक दो घंटा लग जाएगा अपने अपने जगह पे रखने के लिए। और मैं भी खाना खा लूंगी, बहुत भूख लग रहा है, और ये फिश फ्राई देख कर ना मुंह में पानी आ रहा है, पानी। हाय कर दो मम्मा बाबू, बाय करो, बाय कर दो बाय 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 बाय। तो बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।